नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विभु पांडे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अब्बू आजमी ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ और पूजा चौहान आत्महत्या मामले को लेकर अब्बू आजमी ने कहा है कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लव इन रिलेशन में रहने से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ और पूजा चौहान आत्महत्या मामले को लेकर अबू आजमी ने कहा है कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कानून गलत है, साथ ही कहा है कि अब बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अबू आजमी ने कहा कि लड़कियां और महिलाएं लिव इन रिलेशन के नाम पर 1-2 साल लड़कों के साथ रहती हैं और फिर पुरुषों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाती हैं। आपको बता दें कि अबू आजमी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं के इन झूठे आरोपों की वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए कानून बेहद गलत है। उन्होंने कहा, देश में पश्चिमी सभ्यता की हवा चल रही है जिसमें सब बहे जा रहे हैं, ऐसी चीजों पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। जब पिछले साल कोरोना वायरस प्रकोप के बीच लॉकडाउन लागू करने के दौरान वह मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दर्जनों प्रवासी श्रमिकों को लेकर सड़क पर उतर आए थे, इस दौरान उन पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप भी लगे थे। उस दौरान अबू आजमी पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा से अभद्रता करने के आरोप भी सामने आए थे। आपको बताते चले कि सपा का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले सपा के नेता आजम खान ने रामपुर में एक रैली में बीजेपी की नेत्री जयाप्रदा पर विवादित बयान दिया था। बताते चले कि आजम खान जयाप्रदा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी लगातार करते रहते हैं। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का खाकी रंग का है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी के विवादित बयान के बाद सपा केंद्र के अब निशाने पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज़।